नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे भारत बेंच 5532 ट्रेलर का, जो कि 10 टायर व 6 टायर के दो ऑप्शन में आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके 10 टायर वाले वेरिएंट की। अगर आप ट्रकों से जुड़ी नई जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इसके रिव्यू की शुरुआत करते हैं सामने से। दोस्तों, भारत बेंच की गाड़ी अपने बेहतरीन फीचर्स और आरामदायक व सुरक्षित केबिन के लिए जानी जाती है, और इसके साथ ही डिजाइन के मामले में भी इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। सामने से इसका लुक किसी लग्जरी गाड़ी जैसा लगता है। बड़ी और स्टाइलिश विंडशील्ड स्क्रीन दी गई है, जिस पर दो वाइपर दिए गए हैं। इससे नीचे भारत बेंच की ब्रांडिंग दी गई है और उसके नीचे फ्रंट ग्रिल पर भारत बेंच का शानदार लोगो भी दिया गया है। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ दिया हुआ है फ्रंट बम्पर, जो कि 3 पार्ट में दिया हुआ है। इसका फायदा यह है कि इनमें से किसी एक हिस्से में नुकसान हो तो सिर्फ वो ही बदलना पड़ता है, जिससे इसका मेंटेनेंस खर्च काफी कम हो जाता है। बम्पर के बीच में टो हुक दिया गया है और दोनों तरफ हेलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट्स दी गई हैं और इन्हीं के साथ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहीं आपको देखने को मिलेंगे रिफ्लेक्टर और फॉग लैंप की जगह। साइड से देखें तो यहां आप देख सकते हैं 5532 की क्रोम के साथ 3D ब्रांडिंग। इसके साथ ही 6x4 भी लिखा हुआ है, मतलब इस गाड़ी में 10 टायर हैं। थोड़ा ऊपर देखें तो ORVM दिए गए हैं, जो ड्राइवर को गाड़ी के पीछे का हाल दिखाते हैं, और इसके नीचे पीली रेडियम पट्टी दी गई है। टायर साइज की बात करें तो इसमें 295/90R20 के टायर दिए गए हैं। इसके सस्पेंशन की बात करें तो अगला सस्पेंशन पैराबोलिक टाइप लीफ स्प्रिंग विद 2 हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है, मतलब 4 मजबूत कमानी पट्टों के साथ ही शॉक एब्जॉर्बर भी दिए गए हैं, जो ऊंचे नीचे रास्तों में गाड़ी को बेहतर कंट्रोल प्रदान करते हैं। यहाँ इसका ईट सिस्टम दिया गया है, जो कि BS6 वाली गाड़ियों में जरूरी हो गया है, और यह प्रदूषण को कंट्रोल करता है। यहाँ इसका स्पेयर व्हील दिया गया है, जो पीछे की बॉडी बनने के बाद साइड में लगा दिया जाएगा। दोस्तों, इस गाड़ी का चेसिस भी काफी मजबूत दिया गया है। इसके साइज की बात करें तो यह 288x70x9mm के साइज में आता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके टेल लैंप, जो कि LED लाइट्स के साथ दिए गए हैं। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में पिछला सस्पेंशन बोगी टाइप का होता है, और इसमें भी आप देख सकते हैं बोगी सस्पेंशन दिया गया है। इसमें कमानी पट्टे उल्टे टाइप में होते हैं, जिससे ज्यादा वजन होने पर भी गाड़ी को बढ़िया सस्पेंशन प्रदान करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। एक्सल की बात करें तो अगला एक्सल IF7.0 दिया गया है, और पिछला एक्सल IRT 390/11 दिया हुआ है। इसका एंटी रोल बार सिस्टम भी स्टैंडर्ड टाइप का दिया गया है। पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ दिया गया है इसका डीजल टैंक, जो कि आपको दो ऑप्शन में मिलता है, 455 लीटर और 430 लीटर में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके पास ही दिया गया है इसका एड ब्लू टैंक, और ये भी आपको 60 लीटर व 51 लीटर के ऑप्शन में मिलता है। इसके पास दी गई है 12 वोल्ट की दो बैटरी, जिनकी कैपेसिटी 120 AH की है। नुकसान से बचाने के लिए इनको अच्छी तरह कवर भी किया गया है। थोड़ा आगे चलें तो यहाँ इंडिकेटर दिए गए हैं, और खिड़की पर भारत 6 प्लस की बैजिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ खिड़की का लॉक सिस्टम दिया गया है, और ऊपर देखें तो ORVM के साथ ही ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी दिया हुआ है। अब चलते हैं केबिन के अंदर, जिसके लिए भारत बेंच को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। केबिन में चढ़ने के लिए यहाँ दो हैंडल दिए गए हैं, जिनको पकड़कर आसानी से गाड़ी में चढ़ सकते हैं। साथ ही 2 फुट स्टेप भी दिए गए हैं। केबिन में अंदर चलने से पहले देखते हैं इसकी खिड़की में क्या क्या सुविधा दी गई है। यहाँ पानी की बोतल रखने की जगह दी गई है, और उसके पास ही छोटी सी पार्किंग लाइट दी गई है। ड्राइवर के पैरों के लिए भी काफी खुली जगह दी गई है। यहाँ दिया गया है इसका पावर व इको मोड का स्विच। इससे आप गाड़ी में भरे लोड के अनुसार सही मोड सेलेक्ट करके डीजल की काफी बचत कर सकते हैं। इसे ऊपर कुछ और स्विच दिए गए हैं, जो अलग अलग परिस्थिति में काम में आते हैं। यहाँ दिए गए हैं AC के वेंट्स। दोस्तों, ये है इस गाड़ी का सबसे खास फीचर। भारत बेंच 5532 गाड़ी में आपको ये सेंसर मिलते हैं, जो दुर्घटना से बचाने में बहुत ज्यादा मददगार हैं। अगर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को नींद आने लगती है, तो इन सेंसर के द्वारा जोर जोर से आवाज होने लगती है, जिससे ड्राइवर की आंख खुल जाती है और दुर्घटना का खतरा नहीं रहता। ड्राइविंग सीट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको एकदम प्रीमियम रेंज वाली सीट मिलती है, जो बहुत ही आरामदायक होती है, और आप लंबे समय तक बिना परेशानी के गाड़ी आराम से चला सकते हैं। इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से कई तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिसके कई लीवर आपको सीट के बगल में और आगे की तरफ देखने को मिलते हैं। ड्राइवर की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट भी दी गई है, और सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यहाँ गानों का आनंद लेने के लिए स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ दिए गए इसके बड़े सनवाइजर्स, जो आपको धूप से बचाते हैं। बेहद खूबसूरत डिजाइन के साथ यहाँ दी गई है इसकी केबिन लाइट। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डिजिटल व एनालॉग दोनों टाइप के मीटर देखने को मिलते हैं। स्टीयरिंग के बगल में ये लीवर दिया गया है लाइट कंट्रोल करने के लिए। स्टीयरिंग पर भारत बेंच का लोगो और हॉर्न दिया गया है।
दोस्तों भारत बेंच 5532 गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग मिलती है जो कि हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड टाइप की होती है। इस लीवर की मदद से आप स्टीयरिंग को अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यहां आपको पावर विंडो के स्विच और एसी कंट्रोलर के साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण स्विच देखने को मिलते हैं। यहां दिया गया है 24 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। इसके नीचे आग बुझाने का यंत्र दिया हुआ है जो काफी महत्वपूर्ण होता है। डैशबोर्ड पर छोटा मोटा सामान रखने के लिए काफी जगह दी गई है। दोस्तों इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो स्विच दिए गए हैं उनका उपयोग कैसे और कब करना है इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। इससे थोड़ा ऊपर चलें तो यहाँ देखने को मिलता है म्यूजिक सिस्टम। भारत बेंच 5532 के ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें G131 मैकेनिकल सिंक्रोमस गियर बॉक्स दिया गया है जिसमें 8 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर के साथ ही क्रावलर गियर भी दिया गया है। गियर लीवर ड्राइविंग सीट के बगल में ही दिया गया है और इसके पास ही दिया गया है हैंड ब्रेक का लीवर। दोस्तों ये एक स्लीपर केबिन है और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे काफी बड़ी सीट दी गई है जिसपे आप आराम कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी 4 विंडो भी देखने को मिलेंगी लेकिन ये फिक्स हैं, इन्हें खोल नहीं सकते, लेकिन इनके द्वारा आप पीछे व बगल में आसानी से देख सकते हैं। को ड्राइवर की सीट की बात करें तो यहाँ भी आपको एसी के वेंट देखने को मिलते हैं और ऊपर ये जगह दी गई है छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। स्पीकर, ग्रैब हैंडल और केबिन लाइट भी यहाँ दी गई है। को ड्राइवर के आराम के हिसाब से यहाँ फुटरेस्ट भी दिया गया है और सीट भी आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम क्वालिटी की दी गई है जिस पर दो लोग बैठ सकते हैं और दोनों के लिए सीट बेल्ट भी दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की और बाकी बची हुई चीजों की। भारत बेंच 5532 में आपको OM926 इंजन मिलता है जिसकी पावर 320 HP की होती है। इस गाड़ी में 1250 न्यूटन मीटर की अधिकतम टॉर्क मिलती है। इसका इंजन 6 सिलेंडर वाला होता है जिसकी क्यूबिक क्षमता 7200 सीसी की होती है। दोस्तों भारत बेंच 5532 गाड़ी का GVW 55 टन का है और इसकी ग्रेडेबिलिटी 28.4% की है। ब्रेक की बात करें तो इसमें न्यूमेटिक फुट ऑपरेटेड ड्यूअल लाइन ब्रेक दिए गए हैं ABS के साथ। अगले वे पिछले दोनों ब्रेक ड्रम ब्रेक दिए गए हैं 410 mm के साथ। सिंगल ड्राई प्लेट हाइड्रोलिक कंट्रोल क्लच दी गई है। इस गाड़ी का व्हील बेस 3975 mm का है। गाड़ी की ऊंचाई 2910 mm की है, लंबाई 6935 mm की है, चौड़ाई 2490 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस 255 mm का है और इसका टर्निंग सर्कल डायमीटर 16.7 मीटर का है। दोस्तों ये थी भारत बेंच की शानदार गाड़ी 5532 जो कि 10 टायर के साथ आती है। ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। किसी और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट करके बताएं, हम जल्द ही आपके लिए उसका वीडियो लेकर आएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए ट्रक जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।